दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों के जेहन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर ये मामला क्या है। बता दें कि ये पूरा मामला नई शराब नीति 2021-22 से संबंधित है, जो केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को लागू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसमें क्लब, बार और रेस्तरां में सुबह करीब 3 बजे तक शराब की बिक्री की इजाज़त दी गई। केजरीवाल सरकार ने माफिया राज खत्म करने का हवाला देते हुए नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया था। सरकार ने इस नीति से राजस्व के लाभ का दावा किया था, हालांकि परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। 31 जुलाई 2022 के कैबिनेट की बैठक में इसे माना भी। मामला सुर्खियों में आया और आरोप यह था कि थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% किया गया। इसके अलावा बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाई गई और पहले से ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें खुली और इसके बाद चर्चा बढ़ने लगी। एक आरोप यह भी लगाया गया कि शराब के कारोबारी भारी छूट के ऑफरों के साथ बाजार में इसे बेचने लगे। वहीं अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो दिल्ली के बजट सत्र पर संकट के बादल छा सकता है। दिल्ली की अहम विभाग सिसोदिया के पास है, ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब बजट कौन पेश करेगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ही एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा थे जो बजट की जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी से सरकार के लिए बजट के लिए फैसला लेना कठिन होगा। दरअसल दिल्ली के 33 में से 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास है, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी लंबी खिंची तो फिर दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो दिल्ली के बजट सत्र पर संकट के बादल छा सकता है। दिल्ली के अहम विभाग सिसोदिया के पास है, ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब बजट कौन पेश करेगा। सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में साल 2022 में सिसोदिया से पूछताछ की थी। इसके बाद 19 फरवरी को उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन सिसोदिया ने बजट बनाने के लिए सीबीआई से समय मांगा था। फिर 26 फरवरी को आप नेता सीबीआई मुख्यालय में शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वो पूछताछ में जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।